कई बार एक छोटी सी बात या घटना एक बड़े विचार को जन्म दे देती है। दधीची देहदान समिति के अध्यक्ष श्री आलोक कुमार एक कार्यक्रम के लिए मुंबई गए हुए थे। वहां एक स्थानीय समाचार पत्र में कैंसर के मरीजों के बारे में एक लेख उन्होंने पढ़ा। उस लेख में कैंसर के मरीजों की एक समस्या का उल्लेख किया गया था। कीमोथेरेपी के दौरान कैंसर के मरीजों के बाल उड़ जाते हैं और वो गंजे हो जाते हैं। ऐसी अवस्था में उनके लिए उनका सामाजिक जीवन खत्म हो जाता है। बिना बालों के वो अपने आप को परिवार और मित्रों के बीच असहज महसूस करते हैं। उनका आत्मविश्वास खत्म हो जाता है। नए बाल आने तक इस समस्या का समाधान सिर्फ एक ही है, विग लगाना। लेकिन विग लगवाना एक महंगा काम है। सभी लोग इसका खर्च वहन कर सकें ऐसा संभव नहीं है। इस यात्रा में ही आलोक जी को पता चला कि मुंबई के टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल से संबंधित दो एनजीओ कैंसर पीड़ितों के लिए मुफ्त विग बनाने का काम करते हैं। विग बनाने के लिए आवश्यकता होती है लंबे केशों की, जो कि वो केश दान करने वालों से प्राप्त करते हैं। मुंबई से लौटकर आलोक जी ने केश दान के बारे में एक लेख संस्था के ई जनरल में लिखा। कहते हैं कि अगर आपका उद्देश्य सही हो तो आपको लक्ष्य प्राप्ति में मुश्किल नहीं होती। जहां आलोक जी के मन में इस कार्य के प्रति लोगों को जागरूक करने का विचार था, वहीं दिल्ली एनसीआर की दो छात्राओं एंजल और मीरा के मन में इस कार्य के लिए अपने केश दान करने का विचार आया। दरअसल उन्होंने अपने परिवार में ही अपनी दादी और नानी को कैंसर के कारण उनके बालों को खोते हुए देखा था। ये बच्चियां अपने परिवार वालों के इस दर्द से परिचित थी। उन्होंने आलोक जी के लेख को दधीची देहदान समिति की वेबसाइट पर पढ़ा। उसे पढ़कर उन्हें प्रेरणा मिली कि क्यों ना वो भी अपने केश दान करें। इस कार्य के लिए परिवार के बड़े सदस्यों ने उनका हौसला बढ़ाया। पापा, क्या मैं अपने केश दान कर सकती हूँ कैंसर पेशेंट्स के लिए? और फिर दधीची देहदान समिति और इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के सहयोग से केश दान के पहले कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के लिए हेडगेवार हॉस्पिटल के MS डॉक्टर सुशील कुमार को भी निमंत्रण भेजा गया। उनकी बेटी श्रेया ने जब ये निमंत्रण देखा तो उसने भी अपने केश दान करने की इच्छा व्यक्त की। तो इस तरह दिल्ली और उत्तर भारत में केश दान की शुरुआत हुई। दिल्ली के कड़कड़डूमा क्षेत्र में इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के सभागार में क्षेत्र और मेडिकल फील्ड के गणमान्य व्यक्तियों की गरिमामयी उपस्थिति में केश दान के कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर देहदान समिति के अध्यक्ष श्री आलोक कुमार के साथ देहदान समिति के महासचिव एवं पूर्वी दिल्ली नगर निगम के पूर्व मेयर हर्ष मल्होत्रा, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ईस्ट दिल्ली की अध्यक्ष डॉक्टर नीलम लेखी, लुक्स सैलून की श्रीमती सोनाली दत्ता, पार्षद हिमांशी पांडे, पार्षद श्रीमती गुंजन गुप्ता, पार्षद श्रीमती अंजू कमलकांत, डॉक्टर अजय लेखी, डॉक्टर अनिल वर्मा, डॉक्टर वीके मुंगा और प्रसिद्ध फिल्मकार सुदीप्तो सेन मौजूद थे। इस अवसर पर श्री आलोक कुमार ने केश दान के महत्व को बताया और कहा कि भविष्य में भी दधीची देहदान समिति इस कार्य को आगे बढ़ाएगी। बाल दान करने से इनसे विग बनेगा और जो महिलाएं कीमोथेरेपी से गंजी हो जाती हैं उनको स्वस्थ रूप से काम करने के लिए जाने का मौका मिलेगा। एम्बेरेसमेंट नहीं, वहाँ से ये शुरू हुआ। सर, लोगों को और आप क्या बताना चाहेंगे? मैं कहूँगा कि अपनी मृत्यु के बाद में अपना पूरा शरीर दान करें, अपनी आंखें और बाकी अंगों का दान करो, अपनी स्किन और बोन्स का दान करो। मृत्यु के बाद जो चीज़ मिट्टी हो जाती है उसको जलाने से क्या फायदा है? हाँ सर, ये बताइए कि आज 3 बच्चों ने यहाँ पर अपने बाल दान दिए हैं, क्या इसमें पेरेंट्स की भी सहमति है या नहीं? इसके बगैर कैसे होगा कि माँ पीछे खड़ी है सबके बारी बारी और सब कुछ करवा रही है। दधीची देहदान समिति दिल्ली NCR क्षेत्र में देहदान, अंगदान, नेत्रदान के क्षेत्र में पिछले 20 वर्षों से पूर्ण निष्ठा से काम कर रही है। समिति ने 2019 तक दिल्ली NCR क्षेत्र को कॉर्नियल ब्लाइंडनेस से मुक्त करने का संकल्प लिया है। इसी परंपरा को आगे बढ़ाते हुए समिति द्वारा केश दान के लिए समाज को जागरूक करने की शुरुआत की गई है, जिससे कि आने वाले समय में कैंसर पीड़ित लोगों को मुफ्त विग मिल सके।